हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, आपने याद भी कर लिए होंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको स्पेशल तरीके समझाया है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। तो सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? आपका आंसर हो जाएगा बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। बारहसिंगा को अंग्रेजी में स्वैम्प डियर कहते हैं। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम रूसरवस डुआउसेली है। तो दोस्तों, अगर आपसे पेपर में यह पूछता है कि बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा रूसरवस डुआउसेली। यह भारतवर्ष में केवल 3 स्थानों पर पाया जाता है। सबसे पहला स्थान है उत्तर प्रदेश के तराई वन क्षेत्र, दूसरा स्थान है उत्तर पूर्व स्थित असम, तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश के आरक्षित वन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपके पेपर में यह पूछता है कि बारहसिंगा भारत में कितने स्थानों पर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 स्थानों पर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बारहसिंगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किशनपुर वन्यजीव बिहार में पाया जाता है। आजकल यह विलुप्त होते जा रहे हैं, अतः यह विश्व की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इन पॉइंटों को याद कर लेंगे, क्योंकि यह पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर कमान है। अब मैं आपको इसको विस्तार से समझाता हूँ। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर कमान है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह यह सरकार मोहर के प्रारूप में एक व्रत में ऊपर धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ और नीचे दाएं बाएं दो मछलियाँ हैं। इसे 1938 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पेपर में यह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में स्थित मछलियाँ अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक हैं, तीर धनुष भगवान श्री राम का प्रतीक हैं और 3 तरंग लाइन गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे पेपर में यह पूछता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछलियाँ किसका प्रतीक हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक हैं, तीर धनुष किसका प्रतीक है, तो भगवान श्री राम का प्रतीक है और 3 तरंग लाइन गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक हैं। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोए। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली मोए या चीतल है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर आपके ऑप्शन में यहाँ पर चीतल होता तो वो भी सही हो जाता। इसे अंग्रेजी में चीतल कहा जाता है। इस मछली का वैज्ञानिक नाम चिताला है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर आपसे पेपर में यह पूछता है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चिताला है। यहाँ पर दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि चिताला संकटग्रस्त मत्स्य प्रजाति है, जिसे साधारणतः फेदर बैक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक नाम और मिल गया। अगर आपसे कोई यह कहता है कि फेदर बैक हम किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चिताला को कहते हैं। यह मछली द्विजननांगी होती है, मतलब दोस्तों इसमें नर भी होता है और मादा भी होता है। इसमें नर 2 वर्षों के बाद तथा मादा 3 वर्षों के बाद परिपक्व होती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर सवाल को काफ़ी बारीकी जाऊंगा, जिससे कि दोस्तों उस सवाल से संबंधित जितने सवाल आपके पेपर में बने, आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। सारस को अंग्रेजी में क्रेन कहते हैं। सारस का वैज्ञानिक नाम ग्रोस एंटीगोन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, आपको यहाँ पर सभी वैज्ञानिक नाम याद रखना है। अगर आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारस उत्तरी एवं केंद्रीय भारत, पाकिस्तान तथा नेपाल देशों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि अगर आपसे पेपर में यह पूछता है कि सारस कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी एवं केंद्रीय भारत, पाकिस्तान तथा नेपाल देश में पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है,
उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, इसे अंग्रेजी में भी अशोक कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, अशोक का वैज्ञानिक नाम सराका अशोका है। क्या है? सराका अशोका है। यह कहा जाता है कि शोक नाशक होने के कारण इसे अशोक कहा गया है। वर्तमान में यह प्रजाति संकटग्रस्त हो चुकी है। इस पेड़ का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। यह एक मूल्यवान वृक्ष है। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा पलास। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलास है। पलास को ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है। इसका मतलब दोस्तों यह हो गया कि अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पलास को कहते हैं। पलास का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको काफ़ी बारीकी समझाया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।